हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं आशीष कुशवाहा और दोस्तों इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर हूं। और ये जो स्थान आप लोग देख रहे हैं चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है और मैं इस स्थान पर एक पुरातात्विक स्थल है उसके बारे में रिसर्च करने आया हूँ और मेरी टीम भी आई हुई है और पुरातात्विक विभाग के जो अधिकारी हैं वो कोरिया जिला से आ रहे हैं अभी बैकुंठपुर से, तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे और इस जगह के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस जगह का क्या नाम है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि पुरातात्विक स्थल जोगी मठ केशगवां, मतलब दोस्तों ये गांव का नाम है केशगवां और इस स्थान का नाम है जोगी मठ। यहाँ पर 6वीं से सके कुछ यहाँ पर बौद्धकालीन मूर्तियाँ हैं, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, लेकिन इसको अभी शासन प्रशासन जो है कि अस्तित्व में लाने में असफल रही है, लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ अपने टीम के साथ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि विकासखंड जो है कि सोनहत जिला कोरिया छत्तीसगढ़, और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये जो इस बाउंड्री वॉल किया गया है ये 2013-14 में किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कलेक्टर कोरिया के द्वारा स्वीकृत किया गया था तब इसको बनाया गया है। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी बौद्धकालीन मूर्तियाँ हैं और कौन कौन सी यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सभी अधिकारी जो आ रहे हैं उनसे बात करेंगे और जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैं दिखा दूँ, चारों तरफ यहाँ पर जंगल है। 1 किलोमीटर हम लोग यहाँ से बाइक से ही आए हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ये पूरा मतलब घना जंगल है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, इसके चलते आप लोग देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे के पत्ते हैं वो पूरी तरह से झड़ चुके हैं। और चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ जो भी नज़ारा रहेगा। हमारी टीम पूरी यहाँ पर आई हुई है रिसर्च करने के लिए और इस जोगी मठ स्थान के बारे में हम लोग एक किताब लिखने जा रहे हैं और इसको कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में हर जगह इसको फैलाया जाए और इस पुरातात्विक जो स्थल है इसको एक नाम दिया जाए। हालांकि इसको तो पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन में ले ही लिया है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि इसके बारे में रिसर्च करके इसको और बढ़ाया जाए। तो इसका मेन गेट वहाँ पर है, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन ये जो आप लोग देख रहे हैं इसी गेट से जाते हैं और वो वाला जो गेट है मेन गेट है वो बंद रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पेड़ है, उसके नीचे ही जो बौद्धकालीन मूर्तियाँ हैं उनको रखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पेड़ को समानता जो यहाँ की जो भाषा है उसमें कोसम कहा जाता है और जोगी बाबा आप लोग देख सकते हैं कि नाम से यहाँ का जो मूर्ति है वो प्रसिद्ध है। तो अंदर मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं और कितनी पुरानी हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है कि बूढ़ी भाई है ना, ये बूढ़ी भाई का बहुत ही पुराना जो है कि मूर्ति है। और इधर ये कौन सी है, ये गणेश भगवान है और ये भोले शंकर है, शंकर भगवान अपने। और इधर आप लोग देख सकते हैं ये श्री राम, मतलब आप लोग देख ही गए होंगे ये बजरंग बली जी का पुराना मूर्ति है। और आपको इस जो जगह का है जो प्रसिद्ध है उस मूर्ति को भी आप लोग को दिखाता हूँ जो कि भगवान बौद्ध का है ना, हाँ भगवान बौद्ध का है। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये भगवान बौद्ध का जो है कि बहुत ही प्राचीन जो है कि मूर्ति है, लगभग 6वीं या फिर 7वीं शताब्दी के लोग मानते हैं कि ये मूर्ति है। और ये अस्तित्व में 2002 से आया हुआ है, जो यहाँ के अभी जो अधिकारी हैं वाल्मीकि उन्होंने पूरा इसके बारे में हमको जानकारी बताया है। तो उस वीडियो का क्लिप मैं आपको इसमें दे दूंगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इधर आप लोग देख सकते हैं ये मोती ज्वालामुखी, अच्छा अंगार मोती ज्वालामूर्ति दाई है। और इधर ये आप लोग देख सकते हैं बड़ा देव, मतलब ये गोंड जनजाति के सबसे प्रमुख देवी देवता में से एक है ये बड़ा देव। मतलब इसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया हाथ से, पिताजी, अच्छा इसको हाथ से बनाया गया है। और यहाँ पंडित महाराज ने बनाया है, पंडित महाराज, और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की क्या मान्यता है और कैसे कैसे लोग आते हैं। और साथ ही में जो पुरातत्विक विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी आने वाले हैं तो उनसे भी बात करेंगे और पूरी जानकारी इस जगह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनकी कृपा मेरे ऊपर, हाँ वो तो है ही, लेकिन मेरी कृपा इनके ऊपर नहीं, लेकिन मतलब आप तो खोजकर्ता के नाम से जानते हैं, जाना जाते हैं आप यहाँ के, हाँ खोज नहीं तो मेरे कॉलेज के जो थे ना हम लोग सीनियर वो भी बताए कि आप जो है कि मतलब वाल्मीकि सर से मिल जाए तो वहाँ के बारे में सब बता देंगे। तो सर बस ये जानना था कि मतलब ये कितनी पुरानी है और क्या मान्यता है यहाँ के बारे में। अच्छा देखिए क्या है, नोट कर दीजिए सर, वीडियो बना ले रहे हैं। ये स्थान जो है पहले गिरा हुआ था और इस मतलब इसके ऊपर ये बांस और ये पेड़ उगे हुए थे, यहाँ बांस का पेड़, बांस का पेड़ था, बाद में बांस को खाई हाथी ने तो कुछ अंश दिखा यहाँ पर। उस समय राजा साहब थे, राजा रामानुज प्रताप सिंह, वो इसको उत्पाद करके ले जाना चाहते थे।
कहाँ ले जाना चाहते थे? महल में। अपने महल में? जी अपने महल में ले जाना चाहते थे, मतलब बैगुलपुर में, लेकिन एक नहीं गया, बल्कि उनको जो हाथी से ले जाना चाह रहे थे तो वो हाथी पगला गई थी। अच्छा, हाथी जो थे पगला गई, इनके में इतना शक्ति है, पगला गई थी और वो जो है उन्हीं को बल्कि नुकसान करने लगी थी, तो लोग लेने आए थे। अब राजा ने फिर यहीं पर रहने दिया और इसको जो है जोगी बाबा के नाम से गांव वाले पूछते हैं। कुछ लोग बूढ़ा देव भी बोल रहे थे, मतलब बूढ़ा देव उधर बनाया अच्छा है, वो अभी नया बनाया है, गया प्रसाद नाम कर अच्छा वो अभी बना है, उन्होंने अभी बनाया है, ये साल दो साल हो रहा है। और ये जो है जोगी बाबा का स्थान है और इसको जैन तीर्थंकर भी बोलते हैं, कुछ लोग बौद्ध की स्थान बोलते हैं और हम लोग स्थानीय स्तर पर जोगी बाबा के नाम से जानते हैं। सर तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर जानकारी जो लिया तो सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं ना, मतलब सभी धर्म के लोग आते हैं, मतलब बढ़िया जगह है, मतलब सभी धर्म के लोग आते हैं अगर पूजा करने के लिए, तो मतलब कोई भी तीर्थ स्थान अगर इसमें किसी का रोक नहीं है, सभी लोग आते हैं। ये ऊपर में जैन तीर्थंकर की मूर्ति है जिसको की जोगी बाबा हम लोग बोलते हैं, ये महामाया की मूर्ति है, ये माता की मूर्ति बोलते हैं। और नीचे में ये मूर्ति भी पुरानी है, ये वाली भी पुरानी है, इधर ये मूर्तियां नई है। तो सर अच्छा तो मतलब इस जगह के बारे में आपको कब पता चला था, मतलब आप सेवा में? हम लोग जब बचपन में थे तब से मेरे दिमाग में था और मैं जब तो ये आठवीं नौवीं पढ़ रहा था उस समय भी अपने गुरु जी लोगों को ला करके यहाँ दिखाया था। और इसके बाद प्रशासन के इसमें लाया ध्यान में 2000 में, 1998 में सबसे पहले दिया था सरगुजा कलेक्टर को और उनको बताया था। इसके बाद 2000 में यहाँ पर नीलम सिंह राव मैडम थी दूसरी कलेक्टर, उनको हमने बताया था। तो कठिनाई भी हुआ था सर, मतलब कोई जगह नहीं, किसी भी अच्छे कार्य को करेंगे तो कठिनाई तो होगी। इसे अगर मान लीजिए हम लोग अभी कुछ देखते हैं नया तो अगर देंगे कलेक्टर को लिख के तो मतलब नजरअंदाज कर देंगे उसको, ठीक ना? तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था? एक बार तो हुआ था, एक बार जब वहाँ सरगुजा कलेक्टर को हमने दिया था तो उन्होंने जिसे चेक करने को भेजा था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि कोरिया जिले में कोई भी पुरातात्विक महत्व के अवशेष नहीं है, इस तरह का भी लोगों ने दिया है। लेकिन अपने को हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने लक्ष्य में लगे रहिए, आज नहीं कल वो पूरा होगा। छत्तीसगढ़ स्टेट के पुरातत्व के अधिकारी हैं, उसमें खास करके एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे डॉक्टर के चक्रवर्ती साहब, जिन्होंने कि छत्तीसगढ़ के बारे में काफी कुछ काम किया है। वैसे उन्होंने अविभाजित मतलब मध्य प्रदेश में काम किया था और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने काम किया है। वो आए थे तो उन्होंने बताया था कि ये 6वीं-7वीं शताब्दी का है। इसके बाद पुरातत्व के अधिकारियों को हमने ला करके यहाँ पर सर्वे कराया था तो उन्होंने भी बताया था कि ये 6वीं-7वीं शताब्दी मतलब सिद्ध हो चुका है, मतलब बहुत पुरानी तो यहाँ पर मतलब इसको प्रगतिशील करने के लिए यहाँ मतलब विकसित करने के लिए जगह को जैसे कि मतलब कोई भव्य मंदिर का मतलब इस टाइप से आगे भेजा गया है। ऐसा है मंदिर बनाने के लिए तो गवर्नमेंट पैसा देती नहीं है, समझ रहे ना? ना तो किसी धार्मिक कार्य के लिए देती है, समझ रहे नहीं तो, तो रहा सवाल कि मंदिर का निर्माण उससे हो सकता है, क्या कहते हैं, जन सहयोग से। तो मतलब ये तो वन क्षेत्र का ना है, वन क्षेत्र जितने हमारे देवी देवता का स्थान है या जितने हमारे पर्यटन केंद्र है वो तो अधिकांशतः आपके जंगली क्षेत्र में है, वन क्षेत्र में ही। लेकिन अब वन क्षेत्र भी तो हमारा ही है, शासन हमारी ही है, किसी का रहे। और जब शासन का मूल काम है कि इसको व्यवस्थित रखना और उस काम को यदि हम जनता करेंगे तो क्यों नहीं सहयोग करेंगे। अभी तक हमें इसमें कोई कठिनाई नहीं आई वन विभाग से कि यहाँ पर हमें कोई भी कार्यक्रम, अगर मान लीजिए गांव वाले यहाँ पर मंदिर बनवाना चाहते हैं तो बना देंगे वन विभाग मंदिर? देखिए पुरातात्विक स्थल पर मंदिर बनाने का व्यवस्था नहीं रहता है। अच्छा मतलब जैसे मंदिर का निर्माण अवैध माना जाता है क्योंकि इसकी खुदाई होगी भविष्य में और कुछ निकलेगा, लेकिन अगर आप मंदिर का स्थायी निर्माण करा देंगे तो उसमें ये मतलब वो नहीं होगा, नहीं खोदा नहीं जा सकेगा फिर, इसलिए वो प्राय जो भी स्थान है। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा, ये इनके पिताजी पूजा इधर आ जाइए, अब तो यही करते होंगे ना? हाँ अब यही करते हैं। तो जो मंदिरों का निर्माण है वो पुरातात्विक स्थलों पर नहीं होता है और वो करना अपराध होता है। तो बन रहा ना मंदिर? नहीं ये तो बनाया चूंकि वो पुराने पुजारी का था तो बना लिया था,
लेकिन बनाने का यहाँ के आसपास के लोग इस मंदिर के बारे में कहा जानते हैं, मतलब सब लोग जोगी बाबा के नाम से पूछते हैं। जोगी मठ और जोगी मठ स्थान का नाम है, स्थान का नाम जोगी मठ है और जोगी बाबा के नाम से जानते हैं। और ये है कि यहाँ पर जिनके बच्चे नहीं होते, जिनकी शादियाँ नहीं होती और जिसको जिस चीज की मनोकामना होती है वो बाबा की कृपा से यहाँ पर जो भी कोई मंदिर बनाता है ना बाबा की कृपा से। यहाँ पर दूसरी विशेषता है कि यहाँ माता को त्रिशूल चढ़ाया जाता है और उनको जो है चिमटा चढ़ाते हैं जब मनोकामना पूरी होती है। और इसके बारे में हम लोग सुने थे कि यहाँ पर मेला वाला का भी मेला लगता था, अभी नहीं लगता था, अभी ये कोरोना काल से लॉकडाउन की वजह से मतलब कौन से सीजन में लगता था, कौन से 25-26 अप्रैल को शुरू हुआ था सबसे शुरू में, बाद में कुछ दिन नवमी में लगा, रामनवमी मकर संक्रांति में वहाँ लगता है ओंकारेश्वर में। नाम नंबर लेके साइन भी लेना है और कुछ नवरात्र में तो होता है पूजा पाठ। हाँ नवरात्र में होता है पूजा पाठ होता है, पूजा तो हमेशा होता है, कोई ना कोई भक्त आते रहते हैं। तो इसको मतलब क्या बोलते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत पुराना स्थान है ये, मतलब मूर्ति तो इसको और बड़ा करने के लिए, इस नाम को जब मतलब पूरे भारत में प्रसिद्ध करने के लिए मतलब कुछ ऐसा कार्य नहीं किया गया शासन प्रशासन की ओर से? देखिए जिले में बहुत सारे चीजें जो है वो है पड़ी हुई है, ताकि मैं देखा जोगी मठ जो है ना कुछ लोगों से पूछा आ रहा था तो हम लोग को पता नहीं था कि कैसे मतलब जहाँ जाना है, तो जोगी मठ पर पूछा तो मतलब नाम के बारे में नहीं पता पाया कि वहाँ उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। होनी चाहिए उतना। देखिए क्या है कि ये तो समय के अनुसार होता है, जिस समय ये केंद्र रहा होगा अपने चरम सीमा पर मतलब निर्माण हुआ होगा और उस समय जब इसका स्वरूप रहा होगा तो उस समय बहुत भव्य रहा होगा। आज क्या है कि ये विध्वंस हो गया था, मतलब गिर गया था, क्योंकि उतनी गिरने के बाद फिर से इसका शुरुआत हो रहा है, तो उत्थान के बाद पतन, पतन के बाद उत्थान, ये तो स्वाभाविक चलते आ रहा है। लेकिन आपका भी योगदान इसमें रहा है, बहुत लोगों से सुना कि वाल्मीकि सर वाल्मीकि सर। देखिए मेरा योगदान जो कहिए वो रहा, लेकिन इनकी कृपा मेरे ऊपर, आप तभी तो आप ढूंढ पाए, इनकी कृपा मेरे ऊपर रही कि मैंने जो सोचा वो आपको चुने थे भगवान जी। सबसे देखिए क्या है, हर आदमी अलग अलग कार्य के लिए नियत है और जिससे जो अच्छा या खराब कार्य होना है वो होगा। और मेरा चूंकि शुरू से ध्येय था बचपन से, हमारे पिताजी लोग यहाँ पर आकर के आंवला नवमी के दिन, कार्तिक मास के आंवला नवमी के दिन यहाँ आंवला के नीचे वो लोग खाना बनाते थे पहले और वहां से फिर आकर के यहाँ पूजा करते थे, रोट वगैरह चढ़ाते थे और फिर सब लोग भोजन करते थे। ये मूर्ति थी? हाँ उस समय थी, मूर्ति थी और उस समय हम लोग देखते थे, तब से मेरे मन में था कि ये क्या है, तो मैं अपने गुरुजी लोगों को बताया, जिज्ञासा। हाँ जिज्ञासा थी और एक ये था कि भाई, फिर इसके बाद मेरे दिमाग में बात आया कि कोरिया जिले के जितने भी पुरातात्विक स्थल है वो सारे स्थान है, उन स्थानों का वो मतलब शासन के ध्यान में लाया जाए, तो उसमें हमें कलेक्टर ने ये प्रोत्साहित किया कि हमने जो भी जगह को लिख करके दिया, तो उस समय जो नीलम सिंह राव कलेक्टर हुआ करती थी वो सब जगह जाती थी और विजिट करती थी, देखती, यहाँ भी आई थी। और यहाँ से जाने के बाद ही मेरे को उसने जवाबदारी दे दिया था इस काम के लिए, और उस अवधि में हमने इतना काम कराया है, पूरे जिले के पुरातात्विक स्थलों का सर्वे कराया और पुरातत्व विभाग के ध्यान में ला दिया। दुर्भाग्य क्या बात है जरूर है कि पुरातत्व विभाग से शासन स्तर से कोई बजट नहीं आता। मैं जानना चाहता था कि बजट अगर आता तो बजट आएगा, बजट लाने के लिए क्या है कि जब तक मंत्री विधायक ध्यान नहीं देंगे तब तक वो नहीं आएगा। यहाँ तो सारे विधायक मंत्री आए हैं इस स्थान पर, लेकिन किसी ने 5 रुपए का सहयोग नहीं किया है, देख के बस चले जाते होंगे, कोई मांगता नहीं, मांगने वाला मांगना गया, मांगे है भाई, कहा नहीं, जब कोई आया यहाँ और उस समय दिखाया गया तो न इसका बाउंड्री था ना किस था, कोई कहा दिया तो बाउंड्री कहाँ से है? देखा कि सीमेंट से भी बना है, मतलब टूट गया था वो मूर्ति, मूर्ति का जीर्ण हुआ था। ये क्या हुआ था कि कुमार साहब जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने मेरे जब मैं शुरू मेला लगाना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप जैनियों के पास जैन लोगों का वो है जैन संस्था उनके पास, तो मैं कोरिया जिला के अधिकांश जैन संप्रदाय के जो बड़े बड़े लोग हैं इनसे मैंने संपर्क किया, मतलब आप बचपन से मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि आया कुमार साहब के साथ आए लोग
आने के बाद देखे तो बोले कि खंडित मूर्ति है, ये मूर्ति टूटी हुई थी तो बोले ये खंडित मूर्ति है तो हम इसका पूजा नहीं करते हम लोग, और आपको जो घटा हो वो बताइए, बस यही कहते रहते। तो मैंने बोला कि मेरे पिता ने मेरे को झोली दिया है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरे पिता ने मेरे को झोली दिया है और मेरी झोली कभी खाली नहीं जाती और इसमें इतना रहता है जितना जरूरत पड़ता है। और फिर उन लोगों ने 5 रुपए भी नहीं दिया। बाद में कुमार साहब ने पूछा तो मैं बोला सरकार, उन्हीं के सामने की बात थी, हमने बोला कि सरकार है तो मतलब उसका कहते हैं ये लोग तो बड़े बड़े सेठ हैं, हम लोग तो साधारण आदमी हैं, आराम से व्यवस्था कर लेंगे और आपके आपके सेठ से हो जाता है, धीरे धीरे हो ही जा रहा है, हो जाएगा और होगा। विधायकों तो रोड के लिए, लाइट के लिए, रोड अगर आ जाता तो मतलब थोड़ा सा और अच्छा पड़ेगा। वैसे मैं रोड के लिए दिया हूँ, रोड से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जिस हिसाब से आपका नाम सुने थे ना कि अधिकारी होंगे, घर में जाके मिलना पड़ेगा या फिर ऑफिस में जाके मिलना पड़ेगा, आप आ जाएंगे इस जगह पर। हम लोग बताऊँ हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप अच्छे कार्य को सोचेंगे तो उसमें जितना सरलता से आप उस काम को कर सकेंगे उतना उससे नहीं कर सकते। अधिकारीगिरी से या नेतागिरी से ये काम नहीं, तो वही बाकी सामाजिक कार्य के लिए आपको नम्र बनना पड़ता है, झुकना पड़ता है और सभी के बात को सहना पड़ता है। अगर आप में जितना क्षमता आते जाएगी सहने की आप उतना, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट आप लोगों को बता रहे हैं अपने लंबे अनुभव का, आप जितना और जो भी अच्छा कार्य रहेंगे लेकिन ज्यादा लोग आपके सपोर्टर हैं और ईश्वर आपका साथ देगा। मैंने अनुभव किया है ईश्वर ही साथ आपको अच्छे कार्य के लिए बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी आपको ये जिला नहीं है, पुरातत्व का अधिकारी नहीं, पुरातत्व पुरातत्व विभाग देखता, पूर्वजों का धरोहर है और आने वाले बच्चों के लिए सही और धीरे-धीरे प्रसिद्ध होगा, ऐसा बात नहीं, प्रसिद्ध तो है ये तो। आज आप छत्तीसगढ़ के और राष्ट्रीय स्तर के उसके मानचित्र में जब देखेंगे तो जोगी मठ दिखता है। नहीं मैं भी सर्च किया गूगल पे ना कि कोरिया जिला का सबसे प्रसिद्ध जगहों में से मतलब पुरातात्विक जो स्थान है उसमें जोगी मठ का भी नाम आया था, 7-8 जोगी मठ का भी नाम आया था। इसमें यह है कि सबको सहयोग करना है और आने वाले जो आप लोग लड़के हो ये लोग जहाँ पर आपके नजदीक में कोई स्थान है तो उसका आप लोग जो चीजें हमारी धरोहर है ना उनको बताइए। बच्चों में आज काम करने की बहुत ललक है, उनको बता दीजिए, आप लोगों को बता दिया जाए युवा पीढ़ी को तो उसको चलने में दिक्कत नहीं, बच्चों को मार्गदर्शन देने की कमी हो गई है। आज अधिकांश लोग खाली वही फिल्मी दुनिया पाश्चात्य सभ्यता और फिल्मी दुनिया में जो देखते हैं उसी तरह से जीवन में चाहते हैं, जबकि वैसा जीवन नहीं है, जीवन अलग चीज है और फिल्मी दुनिया अलग। दादा आपके नाम का है जगदीश। दादा आपन यहाँ लेकर कब ले पूजा करा था? पहले से भी करता लेकिन पिताजी करते हैं 5 साल से। तो आप मन के जो पिताजी रहे कितना दिन ले पूजा करा था? 25-26 ओकर से पहले आप पहले कोई नहीं करते, मतलब जब ले अस्तित्व में आई से या तब ले मतलब पूजा होते है? जाने से भी मैं करत रह लेकिन हाथ रहे ना तो मैं नहीं आता, मैं शाम ध्यान करके घर में आते हैं। पूजा यहाँ जब तीनों पहर होते हैं, शाम सवेरे और दोपहर में, सुबह एक धार्मिक नवमी में दो बार तो दीपक उपक जलाया जाता है। अच्छा तो यहाँ जो पूजा करे जाते हैं तो मतलब कुछ भगवान से मांगते हैं तो मनोकामना पूरा हो जाते होते, मतलब कैसन कैसन लोग यहाँ आते हैं मांगे पर? जगह बाल बच्चा नहीं हो, जगह तबीयत खराब है, पागल पागल हो जाते हैं है ना, चंडी उंडी मारते हैं, दांत चापते हैं, किसी को गाली गलौज देते हैं, किसी को बाल बच्चा किसी को बाल बच्चा नहीं होता है, किसी को और बीमारी है नाना प्रकार का, आते हैं भाई जिसका जिसका अंग स्वभाव लग जाता है वो अच्छा होके अपना चले जाते हैं, जो कहे बोले बताए रहते हैं वो अपना दान पूजा दे। तो यहाँ ये टाइप का भी कहानी है मतलब कि पुराना जमाना में करके मतलब जब काहे पूजा करल जाते हैं ऐसा करके कुछ, जैसे बूढ़ा देव को गति बनल है तो मतलब बूढ़ा देव का पूजा उजा यहाँ होते ना तो ओकर मान्यता नहीं है कि मतलब यहाँ काहे पूजा करल जाते बूढ़ा देव का? जब वो हमारे पिताजी वो चले गए नहीं वही बताते, अच्छा कुछ नहीं पाया ये वक्त कह दिए हैं कि मतलब तुम बेटा करते रहना आगे ही बढ़ना पीछे नहीं जाना, तो आपके दुआ से मैं सुबह उठता हूँ अपना पूजा पाठ किया, आसान ध्यान किया, अपना
पहिरा कपड़ी कपड़ा धोती होती, इसके बाद आके यहाँ नहुआ मार के चंदन टीका लगाए के चावल फूल चढ़ाए के अगरबत्ती जला के अपना दिन भर के लिए। का नाम है आप उनका? जगदीश सिंह। जगदीश सिंह। अब आप उनके पिता का? जया प्रसाद। अच्छा, तो बढ़िया लागी समन की यहाँ आके भाई देखे न। पहली बात तो कि इतना पुराना मूर्ति ला देखे हमरो मन रही, तो हमरे सोचिन कि यहाँ मूर्ति ला देखल जाए कि भाई छठवीं शताब्दी का मतलब सदी का जब मूर्ति है और हमन यहाँ ला देखे नहीं रहे कोरिया जिला में। नहीं, तो बहुत ठीक किए आप लोग आ गए, वो बहुत अच्छे बात। वो हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पर आए हुए थे हम लोग का काम पूरा हो चुका है और मेरी टीम में आप लोग देख सकते हैं इधर संगीता है और प्रियंका और इन्हीं लोग के बदौलत से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और इस जगह के बारे में बहुत सारा रिसर्च करना है, एक बुक हम लोग लिखने जा रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, हम लोग उसको पब्लिश भी करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अभी जा रहे हैं घर और अभी का जो मौसम है आप लोग देख सकते हैं बादल किया हुआ है और कभी भी बारिश हो सकती है। इधर से पूरा कच्चा रास्ता है, अगर बारिश हो गया तो हम लोग को निकलने में यहाँ से परेशानी होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।